मैं तभी शादी कर सकता हूं जब तुम इन कागजात पे साइन करो। मैं साइन नहीं करूंगी। सॉरी, मैंने कहा मैं इन पेपर्स पे साइन नहीं करूंगी। कूल, भाई तुम अब अपने घर जाओ और अपने आई बाबा से कहो कि हमारी शादी भी नहीं हो सकती। आप ऐसा नहीं कर सकते, इसमें आप ही की बदनामी हो। मेरी बदनामी? यू थिंक आई केयर? करो, चाहे जितनी मेरी बदनामी करो पुन्नी। एक काम करते हैं, मैं मीडिया वालों को बुलाता हूँ, मैं सामने से खुद ये न्यूज देता हूँ, कल के न्यूज़पेपर पे फ्रंट पेज पे ये न्यूज छपेगी, तब पता चलेगा कि किसकी बदनामी ज्यादा हो, है ना? क्या सोच रही हो स्वीटा? यू हैव नो चॉइस। चुपचाप इन पेपर्स पे साइन करो, लीगली मेरी वाइफ बनो और ऐश करो। शादी मुबारक। पूर्वी दरा आई, क्या हुआ? कब से कुछ ढूंढ रही? ये देख तेरे लिए क्या लेकर आई। ये क्या है? खोल के देख। वाव, आई तो बहुत सुंदर है। ये मैंने और मानव ने तेरे लिए लिया है। अच्छा है ना? नहीं आई, आई बहुत महंगा होगा। एक सेकेंड, तुझे क्या करना है कितना महंगा है कितना नहीं? और जब आई बाबा अपने बच्चों के लिए गिफ्ट लेते हैं ना, तो वो ये नहीं सोचते कि वो महंगा है या सस्ता है, वो बस ले लेते। और वैसे भी ये आपके लिए गिफ्ट है, गोद भराई का। मैंने सेम टू सेम ऐसा हार ओबी के लिए भी लिया है, पता है? आई लेकिन गोद भराई? हाँ गोद भराई। तुझे और ओवी को सातवां महीना लग गया है, तो तुम दोनों की गोद भराई तो होनी चाहिए ना। मैंने और मानव ने डिसाइड कर लिया कि हम तुम दोनों की गोद भराई करने वाले हैं, है ना? अच्छा आइडिया। लेकिन आई ओवी, गोद भराई की रस्म हर औरत के लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। हाँ आई, लेकिन आहार बहुत महंगा है। एक सेकेंड, तू और ओवी हमें बहुत महंगा गिफ्ट दे रहे हो पूर्वी, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा मायने रखता है ना? और मैंने तुझे कोई चॉइस नहीं दी कि तुझे पहनना है या नहीं पहनना। मैं तुझे ऑर्डर दे रही हूँ कि तुझे ये हार पहनना ही है, तुझे ये हार तेरी गोद भराई वाले दिन पहनना ही होगा। और अगर नहीं पहना तो मानव तुझसे गुस्सा हो जाएंगे, मुझे नहीं पता, समझी? ठीक है। आया आपको? अच्छा, अब आपकी इस हरकत का क्या मतलब समझूं मैं? ओह, तो आपको ये पसंद आया? ठीक है, तो जब आप बाहर आओगी ना, तो मामा आपको ये पहनाएगी। हाँ, तब तक के लिए अंदर बैठे रहो, चुपचाप, और नो बदमाशी। प्राइवेट नंबर पे कौन फोन कर सकता? हेलो। हेलो पूर्वी जी। जी कौन बोल रहे? आपका शुभचिंतक, आपको एक बात बताने के लिए फोन किया। कौन सी बात? यही कि आपका एक राज मैं जान गया। किस राज की बात कर रहे हैं आप? तो ऐसे पूछ रही है जैसे आप कुछ जानती हैं। खैर, अगर आप मेरे ही मुंह से सुनना चाहती हैं तो सुनिए।
आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मिस्टर गोनेर का नहीं बल्कि मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर का है। अगर आप चाहती है कि ये राज मिस्टर अर्जुन और आपके घर वालों तक ना पहुंचे तो 3 लाख रुपए मुझ तक पहुंचा। आप बोल कौन रहे? मैंने आपसे कहा ना, मैं आपका शुभचिंतक बोल रहा हूं। और वैसे भी मेरा नाम क्या है, मेरी पहचान क्या है और आपका ये राज मुझ तक कैसे पहुंचा, ये सब जानना आपके लिए जरूरी है। लेकिन अब आपके पास सिर्फ 1 दिन का समय है। कल मैं आपके बहन की रिसेप्शन पार्टी दूंगा, उन्हें बधाई भी दूंगा और अपनी कीमत भी ले लूं। अरे वाह, बहुत सुंदर। अच्छा ये देखना रुजी, तू तो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती। हाँ, मेरी फ्रेंड थी ना नेहा, उसने मुझे मेहंदी सिखाई है। पता है वो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती है। और तुझे पता है जब भी हमारे कॉलेज में कोई फंक्शन होता था ना, तो जितनी भी परफॉर्म करने वाली लड़कियां होती थी उन सबको हम लोग मेहंदी लगाते थे। पर मुझे ना सिर्फ बेसिक मेहंदी लगानी आती, वो प्रोफेशनल वाली मेहंदी मुझे नहीं आती। अरे नहीं नहीं, ये मेहंदी भी बहुत अच्छी लगाई सच में, थैंक यू। निधि, पुन्नी के हाथों में मेहंदी अच्छे से लगाना, उसकी मेहंदी का रंग बहुत अच्छा आना चाहिए। हाय, आई, तू तो बोलकर गई थी कि तू बहुत जल्दी लौट कर आएगी, लेकिन मुझे लगने लगा है कि दुबई तुझे रास आ गया है। अब तू वहीं सेटल होने का तो नहीं सोच रही है? कौन पुन्नी? थाम 1 मिनट, आई वो उसके हाथों में मेहंदी लग रही है ना, वो लग जाएगी ना तो मैं तेरी बात करा दूंगी उससे। अच्छा अभी मैं फोन रखती हूँ, बहुत सारे काम है। वंदु, कैसी है तू? अच्छी हूँ, कांग्रेचुलेशन। थैंक यू सो मच। अच्छा हुआ तू पुन्नी की मेहंदी के बहाने आई तो सही, वरना तुझे तो फुर्सत ही नहीं मिलती आने की। मंजू ताई, हमारी पुन्नी की मेहंदी की रस्म है और मैं ना, ऐसा हो सकता है क्या? देख मैं तुझे अभी से कह देती हूँ कि शादी तो कोर्ट मैरिज हो रही, लेकिन ना रिसेप्शन की बहुत बड़ी पार्टी होने वाली है। मैं तुझे अभी से इनवाइट करी और तुझे जरूर आना है। हाँ हाँ मंजू ताई, मैं जरूर आऊंगी। अब तू भी मेहंदी लगवा ले। हाँ, और तू कब मेहंदी लगवाएगी मंजू? अरे तू तो दुल्हन की माँ है, तुझे तो सबसे पहले मेहंदी लगवानी चाहिए थी। आई, लेकिन अभी रुखवत की तैयारी करनी है और फिर किचन में कितना सारा काम पड़ा है। वो सारे काम मैं देख लूंगी, तू मेहंदी लगवा ले। शादी का घर है, मैं हाथों में मेहंदी लगा कर बैठ जाऊंगी तो फिर कैसे चलेगा? तू नहीं सुनेगी ना, तो चल जल्दी से। हाँ, हाँ, मैं भी चलती हूँ। बिच्छू, तू अभी तक यहाँ पे, तूने मेहंदी नहीं लगवाई? नहीं, तुझे पता है ना मुझे लड़के वाले काम अच्छे नहीं लगते। तो तू यहाँ मेहंदी वाले फंक्शन में कर क्या रही है यार, ये तो बता। तू भी तो इस फंक्शन में है, तूने भी तो मेहंदी नहीं लगाई। 1 मिनट, एक बात बताओ, तुम इस फंक्शन में क्या कर रहे हो? ये लड़कियों का फंक्शन है ना। मैं तुझ पे नजर रख रहा हूँ ताकि तू यहाँ पे कुछ गड़बड़ ना कर दे। तेरे होते हुए मैं कोई गड़बड़ कैसे कर सकती हूँ? नहीं, क्या है ना, गड़बड़ करने का सारा ठेका तो तूने लिया हुआ है। जब देखो खाता रहता है। टेलर, आपके कोख में जो बच्चा पल रहा है वो मिस्टर गोनेर का नहीं बल्कि मिस्टर अर्जुन किर्लोस्कर का है। अगर आप चाहती है कि ये राज मिस्टर अर्जुन और आपके घर वालों तक ना पहुंचे तो 3 लाख रुपए मुझ तक पहुंचा दो। पूर्वी देख, मेरी मेहंदी कितनी अच्छी लग रही है ना। क्या हुआ अब? मैं तुझसे बात कर रही हूँ, तू ठीक है ना? हाँ ताई। नहीं, तेरा चेहरा बता रहा है,
कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर है। क्या बात है बता, क्या हुआ? तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही? उर्वी, कहीं तो ये तो नहीं सोच रही ना कि तेरी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम है वो मेरी वजह से है? डोंट वरी, मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे जो भी चाहिए था वो तो मुझे मिल गया। और वैसे भी पूर्व, अगर मैं कोई प्लानिंग कर भी रही होती तो तुझे पहले पता चल ही जाता, राइट? एनीवे, तुझे फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मैं कुछ नहीं करूंगी। मैं बहुत खुश हूं, और हाँ, तेरे हाथों में ये मेहंदी देखकर मैं बहुत खुश हूं। अच्छा, तूने ए तो लिखा है ना? ओ लिखा ना? एनीवे, मैं चलती हूँ, मैं जाके अपनी मेहंदी कंप्लीट करती हूँ, ओके? मैं बात करती हूँ, मुझे भी। नहीं पूर्वी, तेरे हाथ में मेहंदी लगी है ना, मैं आंसर करती हूँ। पूर्वी इस वक्त बिजी है, आप मुझे बताइए क्या काम है। मैं उसकी बहन बोल रही हूँ। अरे फिर वही बात, मैंने आपसे भी कहा ना, इस वक्त सब बहुत बिजी है। आप मुझे बताइए, मैं मैसेज दे दूंगी। ताई, मैं करती हूँ ना बात, मुझे दे। ये लो। कौन था ताई? तुम अच्छी तरह से जानती हो ना कौन था? कौन? अरे ओनर थे, और कौन? मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। अच्छा एनीवे पूर्वी, मैं जाती हूँ अपनी मेहंदी कंप्लीट करती हूँ, ओके? तेजू, मेरे हाथ में ए ढूंढ के दिखा दो। ए लिखवाया भी है, उल्लू बना रही है। अरे लिखा है, देखना अच्छे से। मुझे नहीं मिल रहा। ग्रेट, तुझे नहीं मिल रहा तो अर्जुन को क्या खाक मिलेगा, अब मजा आएगा। तूने क्यों नहीं मेहंदी लगाई? क्यों मजाक कर रही है, मैं और ये मेहंदी वेहंदी, यार मैं नहीं कर सकती ये सब। तेजू, अभी जितने नखरे करने कर ले, जब थोड़े दिन बाद मेहंदी लगानी होगी तब क्या करेगी? वैसे आई बता रही थी कि तू कल सनी के घर शिफ्ट हो रही है। हाँ, उसकी आई ने अब शर्त रखी है, तो क्या कर सकते हैं, करना पड़ता है। तेजू, मुझे तुझ पर पूरा यकीन है कि तू ये चैलेंज जरूर पूरा करेगी। तू है इतनी अच्छी, जहाँ भी जाती है सबका दिल जीत लेती, मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है तेरे। थैंक्स ओवी, तुझे पता है इसी हिम्मत की मुझे जरूरत थी जो तूने मुझे दी। मिश्री, बिजी हो? नहीं। जरा यहां पर एक मिनट बैठो ना। मिश्री, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है उन्हें? खोल कर देखो ना। मिश्री, मैं चाहता हूं कि तुम ये हार अपनी गोद भराई पे पहनो। वो एक्चुअली क्या, वो तुम्हें हार पसंद नहीं है? नहीं, उन्हें
एक्चुअली वो बात नहीं है, उन्हें वो एक्चुअली बात ये है कि आई ने भी मुझे ये हार गिफ्ट किया है, अब वो चाहती है कि मैं ये गोद भराई में पहनूं। ये हार है वो? वो उन्हें This is really beautiful. I think तुम्हें ये वाला पहनना चाहिए, बहुत अच्छा है। ये पकड़ो। ओले ये क्या कर रहे हैं आप? ये मुझे दीजिए, इस पे आपका हक नहीं है, अब इस पे मेरा हक है, ओके? मिस्टी, अगर मैं चाहता तो मैं भी तुम्हारी आई की तरह इतना बड़ा और सुंदर हार तुम्हें दे सकता था, लेकिन I'm sorry मिस्टी, मैं अपने उसूलों से बंधा हुआ। मुझे आज भी कई हॉस्पिटल से फोन आ रहे हैं एज ए रेजिडेंट डॉक्टर के लिए, लेकिन मैं गरीबों की, जरूरतमंद लोगों की मदद करना चाहता हूँ, और उस चीज में इतने पैसे नहीं जुट पाते कि। ओनर, आपको क्या लगता है आपको मुझे सफाई देने की जरूरत है? ओनर, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैं आपकी सोच और आपकी इस वर्किंग स्टाइल से इससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मुझे तो गर्व होता है कि आप मेरे पति हैं, और इस हार की कीमत से ज्यादा आपकी फीलिंग्स मेरे लिए मायने रखती हैं। मैं इन्हें ड्रॉअर में रख के आती हूँ। हाँ, प्राइवेट नंबर। प्राइवेट नंबर से तुम्हें कौन फोन कर सकता है? हेलो हेलो, अरे भाई बोलना नहीं था तो फोन क्यों किया? हेलो, काट दिया। अरे फिर से बज रहा। हेलो हेलो, फिर से बिना बोले काट दिया। कौन हो सकता है? पता नहीं। हूं चलो, तुम अभी सब काम छोड़ो और तुम आराम करो, चलो बहुत थक गई होगी। दो बार किसी और ने फोन उठाया था, सोच रहा था कि उसके जरिए तुम्हें पैसे तैयार रखने का मैसेज भिजवा दूं, लेकिन ऐसा करने से उसे तुम्हारी सच्चाई का पता चल जाता और शायद मुझे मेरे पैसे भी नहीं मिलते। वैसे अच्छा ही हुआ जो इस बार तुमने फोन उठा लिया। तुम्हें याद दिलाने के लिए फोन किया है कि तुम्हारे पास सिर्फ कल शाम तक का वक्त है, कल की पार्टी में पैसे तैयार रखना, और वो भी कैश। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी सारी सच्चाई मिस्टर अर्जुन और तुम्हारे घर वालों को बता दूंगा। अब क्या करूं? 3 लाख रुपए एक दिन में कैसे अरेंज करूं मैं? ओनर को बताऊंगी तो वो भी खामखा टेंशन लेंगे, और उनके लिए भी एक दिन में 3 लाख रुपए अरेंज करना पॉसिबल नहीं है। समझ में नहीं आ रहा कि कितने पैसे कहाँ से लाऊं मैं। आखिर कौन आदमी है जो मेरी सच्चाई जानता है?